So hello everyone and welcome back once again to the channel. So as you all know, the NABARD examination is now around the corner and now around 15-20 days are left. And I hope your preparations guys are going well and you guys are revising well. See, मैं हमेशा कहता हूँ revise करना is the key to success, revision is the key to success. अगर आप किसी चीज़ को एक बार पढ़ के जाओगे, 10,000 चीज़ों को एक बार पढ़ के जाओगे तो उससे आपको result नहीं मिलने वाला, right? एक चीज़ को आपको 10 बार पढ़ना पड़ेगा, only then you will have the desired success, alright? And to gear up your preparation, to boost up your preparation, guys, we are now out with the new timetable of live classes on YouTube and as well as for the enrolled student. So, उसी के बारे में बात करने में आज आपके सामने आया हूँ यहाँ पे इस वीडियो में, right? So, I will tell you that which classes will be taken by which faculty, at which time and at which platform, alright? And उसमें क्या-क्या चीजें कराई जाएंगी, I will also tell you that. Now, one thing I would like to, मैं आप सबसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि जो NABARD ग्रेड एग्जामिनेशन का जो फेज वन है, फेज वन में जो क्वालिफाइंग एरिया है, प्लीज डोंट टेक दैट एरिया लाइटली, बिकॉज यू नेवर नो कि अगर एग्जाम बहुत ज्यादा डिफिकल्ट आ गया वो क्वालिफाइंग एरिया, सो देर आर चांसेस दैट सम ऑफ यू वुड नॉट बी एबल टू क्वालिफाई दैट क्वालिफाइंग सेक्शन, बिकॉज ऐसा होता है, राइट? अभी लास्ट ईयर तो चलो NABARD में जो क्वालिफाइंग सेक्शन था दैट वॉज ईजी, right? Most of you, most of the students were able to qualify that section. But it is a possibility कि वहाँ पे NABARD जो है वो आपके साथ खेल खेल सकता है और वहाँ के जो questions है उसको मुश्किल बना सकता है, right? So please don't take that area lightly and focus on it, right? So now talking about this timetable. So we are starting from 27th of August, right? 27th of August 2022. हम स्टार्ट करने वाले हैं एंड यस दिस विल बी कंप्लीटली अ रिवीजन. ये जितने भी सेशन होंगे ये पूरा का पूरा रिवीजन सेशंस होंगे सारे के सारे, राइट? सो दैट इज व्हाई वी आर स्टार्टिंग नियर द एग्जामिनेशन ताकि आपके दिमाग में सारी चीजें फ्रेश रहे, राइट? सो 27th August 2022 देयर विल बी अ मैराथन ऑन क्वांट, राइट? क्वांट का मैराथन होगा. दिस मैराथन विल कंसिस्ट ऑफ 100 questions, ठीक है? 100 questions होंगे जो कि आपको चेतन सर के साथ साथ मिलके सॉल्व करने हैं. ऑफ कोर्स द सेशन विल बी टेकन बाय चेतन सर, तो चेतन सर के साथ आपको मिलके सारे सॉल्व करने हैं. ही विल गिव यू सम टाइम टू सॉल्व द क्वेश्चन एंड देन ही विल टेल यू द सॉल्यूशन, राइट? उसके बाद द वेरी नेक्स्ट डे 28th of August रीजनिंग मैराथन विल बी कंडक्टेड अगेन बाय चेतन सर एंड अगेन देयर विल बी 100 questions. 100 questions होंगे फ्रॉम अलग अलग टॉपिक्स, फ्रॉम डिफरेंट टॉपिक्स मिक्सचर होगा, सो दैट इट विल गिव यू रियल टाइम प्रैक्टिस फॉर द एग्जामिनेशन, राइट? 29th August 2022 देयर विल बी अ सेशन विच इज मेंट एक्सक्लूसिवली फॉर एनरोल्ड स्टूडेंट, पीआईबी मैराथन ऑफ द लास्ट 6 months, पीआईबी मैराथन ऑफ लास्ट 6 months. 6 महीने का हम इसमें पीआईबी कवर करेंगे, राइट? 6 महीने का पीआईबी कवर करेंगे एंड ऑफकोर्स इट विल बी टेकन बाय मी, राइट? अगेन फिर 30th August की हम बात करें तो देयर विल बी अ गवर्नमेंट स्कीम मैराथन बाई मी ओनली. इसमें मैं ये भी एनरोल स्टूडेंट्स के लिए होगा और मैं बता दूं इसमें हम जो भी हमारे गवर्नमेंट स्कीम के 3 documents हैं आप लोगों के पास, Part 1, Part 2, Part 3, उसमें हम सारी स्कीम्स कवर करेंगे, ठीक है? आई विल टेल यू, आई विल टीच यू अबाउट ऑल द स्कीम. थोड़ा सा लंबा हो जाएगा सेशन आई नो, बट येस इट विल डेफिनेटली बूस्ट अप योर प्रिपरेशन, राइट? सो पार्ट वन पहले सेशन में दैट विल बी ऑन 30th August, देन 31st August पार्ट टू, एंड देन 1st of September अगेन अ मैराथन ऑन गवर्नमेंट स्कीम बाय मी, राइट? और उसमें अब इसमें जो अननेसेसरी की स्कीम्स होगी मैं वो आपको नहीं पढ़ाऊंगा, ठीक है? जस्ट टू सेव योर टाइम. जैसे फॉर एग्जाम्पल मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स की अगर कोई स्कीम होगी फालतू सी जो कि इस एग्जाम में नहीं पूछी जा सकती और जो पुरानी भी हो चुकी है तो वो मैं आपको नहीं पढ़ाऊंगा, राइट? तो इसमें जितनी भी स्कीम्स होंगी हम सारी कवर करेंगे, वेदर इट इज फॉर ARD और इट इज फॉर ESR, राइट? उसके बाद 2nd September को कुछ नहीं है, 3rd September को देर विल बी अ वेरी ब्यूटिफुल सेशन बाय अनुज सर. ही इज गोइंग टू टीच यू एनुअल रिपोर्ट एंड सर्वे. एनुअल रिपोर्ट एंड सर्वे वो आपको पढ़ाएंगे थ्रू अ चीट शीट और वो आपको सिखाएंगे भी हाउ यू गाइज कैन मेक द चीट शीट, राइट? देन लेट्स कम टू 4th September. डिसीजन मेकिंग की बहुत ज्यादा डिमांड थी स्टूडेंट्स की तरफ से, सो देर विल बी अ डिसीजन मेकिंग मैराथन होगा प्रॉपर एंड इट विल बी टेकन बाय चेतन सर, राइट? चेतन सर लेंगे जिसमें 50 या 100 जितने भी क्वेश्चंस उनको सही लगते हैं जो कि आप लोगों के लिए सही हैं, उतने नंबर ऑफ क्वेश्चंस आपको कराए जाएंगे, राइट? एंड यस डिसीजन मेकिंग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है. यस आई अग्री कि सिर्फ 10 क्वेश्चंस आते हैं बट
इमेजिन कि अगर उस 10 क्वेश्चन के क्वालिफाइंग मार्क्स अगर आपके एग्जाम में नहीं आए तो चाहे आप मेरिट में जितने मर्जी ले आओ, 100 में से 100 ले आओ, यू आर नॉट एबल टू क्वालिफाई, यू विल नॉट बी एबल टू क्वालिफाई. ऑलराइट. एंड फाइनली 5 सितंबर, 5 सितंबर की तरफ अगर हम चलें तो 5 सितंबर को देयर विल बी अ महामैराथन ऑन ऑल द 3 सब्जेक्ट्स, ESI, ARD एंड GA. राइट. जो तीनों हमारे मेरिट वाले सेक्शन है, देयर विल बी अ महामैराथन ऑन ESI, ARD एंड GA. एंड दिस मैराथन विल कंसिस्ट ऑफ 1000 क्वेश्चंस. इसमें कितने क्वेश्चंस होंगे? 1000 क्वेश्चंस होंगे. सो ये लगभग पूरा दिन चलेगा, 9 से 10 घंटे के आसपास का होगा. एंड दिस महामैराथन सेशन विल बी टेकन बाय मी, सूरज सर एंड नेहा मैम. राइट. ESI क्वेश्चन आई विल टेक, ARD क्वेश्चन सूरज सर विल टेक, एंड GA ऑफ कोर्स द GA क्वीन नेहा मैम. राइट. सो दिस इज द टाइम टेबल गाइज. एंड इसमें ये सारा करने के बाद आई बिलीव आपका मेरिट सेक्शन हो या क्वालिफाइंग सेक्शन हो, दोनों का दोनों कवर हो रहा है. क्वालिफाइंग सेक्शन में आपका बचेगा का कंप्यूटर और इंग्लिश. आई थिंक दैट इज इजी टू टैकल. बाकी चीज हम आपको करा ही रहे हैं. ESI में द मेजर पार्ट विच इज द गवर्नमेंट स्कीम एंड PIB, आई एम टेकिंग द सेशन. राइट. डिसीजन मेकिंग देयर विल बी अ सेशन. एनुअल रिपोर्ट एंड सर्वे which constitute a major portion of the examination. करीब annual surveys and report, जैसे कि आपका union budget हो गया, economic survey हो गया, NFHS 5, PLFS, microfinance report, इन सब से कम 10 question दोनों merit section मिला के तो आएंगे ही आएंगे. 10 नहीं तो 7-8 तो पक्के हैं. So that is why this session is also very very important, right? So yeah, this is the timetable and I hope your preparations are going well in this timetable. और ये जितनी भी क्लासेस हैं ये सारी की सारी होंगी सुबह 9 बजे. राइट. वेदर इट इज ऑन यूट्यूब या फिर एनरोल्ड, सारी की सारी क्लासेस विल बी कंडक्टेड एट 9 AM. राइट. सो यार दैट इज द टाइम टेबल. आई होप एवरीथिंग इज क्लियर. ये आपको कम्युनिटी पोस्ट में मिल जाएगा, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो, वहां पे आपको इसकी PDF भी मिल जाएगी. ऑलराइट. सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइज. कीप स्टडिंग, द एग्जाम इज वेरी नियर नाउ एंड होपलेस होने की जरूरत नहीं है. अभी भी 20 दिन आप 15-20 दिन आपके पास जितना भी टाइम है उतना टाइम डिवोट करो अच्छे से, ऑनेस्टली जितना आपने पढ़ लिया है उसको रिवाइज करते रहो एंड या जाके पेपर दे के आओ. ऑलराइट. सो थैंक यू सो मच. गुड बाय, टेक केयर एंड गॉड ब्लेस.